सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो स्पेशल मैं इसलिए पशुपालकों को बताना चाहूँगा, आज सामने जो एक मुर्रा भैंस जिसने जो है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और जो है ये ट्रैक्टर है सामने आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर इस भैंस ने मिल्किंग कंपटीशन में जीता है जी। आज की वीडियो लेके आ रहे धनोला जो कंपटीशन चल रहा था बीएफए का वहाँ से, और सामने जो है अमित डांडा भाई खड़े हैं जिनकी ये जो मुर्रा भैंस है साक्षी, इसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जो है इसने अपने मालिक को मैं कहूँगा दूध के जो पर्पज से यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और उसमें अपने मालिक का जो मान है वो इस ट्रैक्टर के साथ बढ़ाया है। बहुत सारे कंपटीशन हुए हैं जी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी नॉलेज में पहला ऐसा कंपटीशन है जिसमें मुर्रा भैंस ने जो है ट्रैक्टर जीता हो, क्योंकि इससे पहले एचएफ गाय वगैरह पीडीएफए में देखने को मिलती थी। तो एक बार ही अमित भाई से मिलवा देते हैं और आप भाइयों को जो है संपूर्णतः जानकारी इस मेले की देंगे। नमस्कार अमित भाई। भाई साहब नमस्कार, और ठीक हो जी? हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई जी। आप सबसे पहले तो पूरी टीम संदीप को, भाई संदीप का एक बार फोटो इस साइड दिखाइए जी। जी ये देखिए जी, एक मैं कहूँगा जो सामने आप देख पा रहे हैं एक ऐसी हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है, संदीप भाई, इनकी जो देन है जो आज कंपटीशन में जो है अमित भाई जैसे पशुपालक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और संदीप भाई की सबसे फेवरेट भैंस थी, सबसे संदीप का भाई के नाम से ही अपने शो में लगाई। अच्छा, संदीप भाई के नाम से। संदीप भाई जो कैलिफोर्निया से भाई ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद आज सोशल मीडिया पे आज तक बताना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ने एक वीडियो बीच में भाई के जाने के बाद लीक हुई थी जिसमें ये कह रहे थे कि जो राजकुमार है उसके भाई का मकान भी बनवाया था। इतने नेक दिल बंदे ने मैं कहूँगा जो है आम और जो गरीब जो लोग हैं उनकी बहुत सहायता की, और कभी समझाओगे अमित भाई एक बार जी जी फिर मैं चलो फिर यकीन है तो फिर मैच ना भाई का यकीन के ऊपर पूरी खरीद करी भाई, तो भाई के नाम से ही लगी थी। तो अमित भाई कितने दिन पहले लेके आए मेले में? 21 तारीख को। और आज तारीख होगी, यानी 12 दिन हो गए यहाँ पे आए, कल कर जाएगी। 12 दिन में एक चीज इसी खुट्टे पे एक ही जगह सभी भाइयों की बंदी हुई थी, वैसे कोई स्पेशल काम नहीं था, लेकिन पशु जो है परेशान हो जाता है। क्या कितना दूध इसने घर पे निकाल रही थी और क्या कुछ यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई यहाँ पे? तो भाई साहब दूध तो वही मानो जो रिकॉर्ड हो गया जी जी, 320 ग्राम दूध दिया जी जी। घर की बात करें तो भाई जी 27 किलो बिल्कुल आम रूटीन में मैसेज। रूटीन में ब्यात कौन सा है इसका? चौथे ब्यात में। तो आज तक किसी मेले में ट्रैक्टर किसी को इनाम में मिला नहीं होगा सर, पहला है। और ये हम ये सरे जो इस ट्रैक्टर का है हम मानेंगे संदीप भाई जहाँ भी है उन्होंने, बिल्कुल संदीप भाई वही अपने पास वैसे नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी फीडिंग में क्या क्या दे रहे थे आप इसको? फीडिंग तो भाई साहब वही अपना जैसे खड़कंडा फीड वाला जी जी, कोई स्पेशल डाइट? स्पेशल डाइट भाई, स्पेशल लेना तो स्पेशल डाइट जैसे गुड़ बढ़ा दिया, दाना 3 टाइम कर दिया, और थोड़ी सेवा बढ़ा दी भाई जी, कोई दवाई पानी कैल्शियम वगैरह जी जी। आपने एक नया ट्रेंड पैदा किया, भैंसों के नाम रखे हैं घर पे भी, ऐसा मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो? घर पे तो भैंसे नाम से ही इधर उधर जो भी काम होता है पीछे पीछे आ जाती हैं। पीछे पीछे भी फिर इनको पता है ना, जैसे शुरू से अपन उसे नाम से पुकारने लगे हैं, जो जी बच्चा है इसका सुल्तान नाम रख लिया जी, सुल्तान है ये, साक्षी है ये, मीणी है, इनको सभी जैसे जोड़ में भैंस बैठी तो एक नाम ले बोलते साक्षी साक्षी देखेगी जी जी, मीणी को बोल दिया मीणी देखेगी जी जी। तो कितने ग्राम से कंपटीशन ये ग्रामों में भी पहली ही बार हुआ है? 80 ग्राम से। ये एक सरपंच के इलेक्शन जैसा काम हो जाता है, एक वोट वाला काम, जो मेरे हिसाब से चाहे 10 इलेक्शन लड़ लो लेकिन वो बात है ना, बहुत कड़ा पेपर और एक नंबर पास हो जाए। हाँ। तो अमित भाई घर पे तैयार की हुई थी, आपने भी परचेज की थी? परचेज की थी अपने भाई, ये 2019 में ये हार की थी जी जी, उसी टाइम आपने परचेज की। आपने सच्ची बताऊं इतनी दूर आए, मेला देखा, सभी लोगों के विचार देखे, लेकिन जहां आपका डिसीजन हुआ ना वहां बस ये मान लो आपने दिल से आपको सलूट किया। भाई ने जैसे ही भैंस मेले में ये पता लगा कि मेले में भैंस ने फर्स्ट पोजिशन मतलब भैंस जीत चुकी है,
तो आपने माँ और बाऊ जी को बुलाया ना, बस ये मान लो दिल। हाँ जी, असि बहुत ही वड्डा जिहड़ा मेले का पहला इनाम जिहदे विच दुध चौड़ी दे विच पहला इनाम जितया है। ये चाबियां ट्रैक्टर दिया एबीसी वीरां वाली जी वालों दे के सम्मान किया जा रहा है, तो तारियां मार के हौसला अफजाई करो। आ वेखो यार भाई, दो तीन बारी बुलाया तो फिर ट्रैक्टर लेना है, संतुष्टि दी हमें। सुखबीर कित्थे भाई, सुखबीर सुखबीर टाटा जी आ जाओ। माता जी कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा बेटा, पहली बार आई माता जी दोबारा नतीजा भी यही मिल जाता है। प्रबंधक तो देखो जी आगा मतलब एक ही नंबर का दे गया मेरे को, आपसे पहले भी आपके मेले की वीडियो बहुत देखी मैंने, लेकिन इतना मतलब बढ़िया और साफ सुथरा और भी भाई जो भी काम करते हैं, चाहे वो पशु पालन के फील्ड के अलावा ना हो, ये वीडियो में और जो मैं जो माताजी और पिताजी यहाँ पे आए थे अमित भाई के, वो क्लिप मैं ज़रूर ऐड करूँगा। और आप प्रयास करें, इन चीज़ों से कोई फ़र्क अपने को नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक भावनात्मक तौर से बताऊँ ना, उनको उनका दिल बड़ा खुश हुआ होगा। क्योंकि भाई मैं तो चला जाऊँ ऑफिस, तो पीछे से माँ होगी मैडम ये भाई सेवा करें मैं। जी जी, उनने तो मेरे को दिया था 28 किलो दूध तैयार करके जी, जातुलू आया अब भाई उनका ये मान लो होटल हूँ, मैं 5 किलो दूध कम तो लड़ पाया। जी जी, उनने 28 किलो दूध तैयार करके दे दिया था भाई जातुलू आया। जी जी भाई, अपनी भैंस दबने की है नहीं बहुत, मैं इस भैंस में मैंने इतना भरोसा है, मेरे फार्म की सबसे फेवरेट भैंस मेरी है शुरू तक। जी जी, इसने मान लो मैंने पहले ब्याह में बाखड़ी ली, दूसरे ब्याह में इसने दूध नहीं दिया किलो। जी जी जी, फिर भी मेरी फेवरेट थी, इसका नेचर बहुत बढ़िया है जी। और फिर इसे करके मैंने यहाँ बेची भी को नहीं, चलो यूं भरोसा था भी कदर कदर कुछ करके दिखाओ। जी जी, तो वैसे कितने पशु घर पे रखे हैं? 15-16 पशु। तो कैसा फील हो रहा है आज? फील तो बस मैं शब्दों में तो मैं बयान कर नहीं सकता, बाकी भाई आप मेरे पास हो कल तो देखने लायक है। इतना टफ कंपटीशन था, मान लो आगे और भाई कोई मान लो लड़ने आए नया, उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मजा टफ कंपटीशन में है, टफ कंपटीशन में। और मैसेज ये है भाई, कम से कम हारने से ट्राई तो करो, पहले मत हारो। बिल्कुल बिल्कुल, हारा वही है जो लड़ा नहीं। बिल्कुल, लड़ना जरूरी है। एक मज ने ट्रैक्टर खींच लिया, और ट्रैक्टर ये मान लो चाबी है ना, हर बंदे के पास गई है रात भर में। सब अपने तो अपनी पूरी टीम है, टीम बंदे इसको मैं बोल रहा हूँ। जी जी, अपने भाई 5-10 दिल के भाई हैं। जी जी, ये देखो जी भैंस, ये देखिए जी, ये भैंस की ट्रॉफी किसी भी वीडियो में अब तक नहीं आई है, पहली वीडियो आप भाइयों के सामने है। ये देखिए, संदीप भाई के नाम से ही मज लगी, और जो है ट्रॉफी पहली वीडियो में आई है, क्योंकि अब तक वीडियो बनाने वाले भाइयों को ये पता था मत जीत चुके हैं, लेकिन ट्रॉफी ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो भाई आपको भी। वकील भाई आप भी अपने विचार रखे, मैंने तो वकील भाई की भी पूरी अमित भाई ने थोड़ा बिजी थे। अच्छा, विचार रखेंगे, लंगर लगा रखा है, लंगर में भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। और जो है एक बार सोनू भाई के विचार ले लेते हैं, इसने भाई ने इस भैंस का नाम कल शाम के बाद जो है एक
अलग नाम नहीं होता है, जैसे किसी का नाम कुछ भी उसको कालिया पीलिया कहते हैं, ऐसे इसका नाम जो है रशियन टैंक रखा है। तो सोनू भाई कितनी मेहनत हुई? बहुत मेहनत, वाक्य में रशियन टैंक है, दबी नहीं भाई जी, किसी का 14 किलो भी दूध निकला, 13.5 निकला, इसने 11, 11.5 जी में चल रही। बिल्कुल कोई अप डाउन नहीं था, मान लो ज्यादा दूध का। तो दूसरे नंबर वाली भी खरीद ली? हाँ, दूसरे नंबर वो भी दिखा देते हैं अपनी। हाँ जरूर। ये दूसरे नंबर पे जो भैंस आई है, ये जो है राजेंद्र भाई ने खरीद ली है, और पहले और दूसरे नंबर की दोनों भैंसे आपको एक वीडियो में देखने को मिल रही हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी अलग अलग मिलेंगी, लेकिन ये वो भैंस है जो दूसरे नंबर पे आई है, और जो है मोनवीर भाई से, राजेंद्र भाई हैं गंगवा से, पद्मावती भैंस अनमोल रतन वाले, उन्होंने परचेज की है। तो इसके बारे में भी दो विचार रख दो। भैंस बहुत अच्छी है भाई, अपने पास आई है, अपने पास आई, कुछ करेगी कुछ करेगी है, करेगी बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा मेंटेन, चलो मेंटेन ना भी हो पशु, लेकिन पशु अच्छा था ना, पशु बहुत अच्छा है। जी जी। तो ये देखिए पशुपालन से जो जुड़े हुए भाई हैं, एक प्रेम भाई जी, कहाँ से? पंजाब से ही हो? पंजाब से। तो कुछ साक्षी के बारे में दो विचार आप भी रखो, आप भी भैंसों का शौक रखते हो। सबसे पहली बात तो ये, अभी पहले जो लोगों का शक था कि हरियाणा वाले ये करते हैं वो करते हैं, वो आज भरम खत्म हो गया। जी जी। क्योंकि आज सभी भैंसे एक ही कुट्टे पे रही हैं, सभी इकट्ठा एक जगह रही हैं। जी जी। और अब मैं हर एक फार्मर को ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी आपके घर पे भैंस है उसको बुरी बात मानो, अच्छी भैंस है उसको अच्छा सीमन लगवाओ जी, और उसके साथ अच्छा कटड़ा या कटड़ी पैदा हो के आपके सामने साक्षी जैसी भैंसे घर पे आपके पैदा हो सकती। जी जी भाई। तो अमित भाई तो अभी केयर में लगे हुए हैं, और जो है अभी एक रिंग बाकी है अनमोल का, वो देखेंगे, उसकी भी वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ। तो जितने भी भाई जुड़े हैं इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, स्पेशल वीडियो तो अमित के घर से ही आएगी, वहाँ पे पूरी फैमिली नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आज बाबूजी ने भी ये कहा मेरे को, मैं जल्दी वहाँ पे आके और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि देखिए भैंस भी पूरी परेशान सी हो रखी है, ना नहला रखा है ना, हिम्मत मानो भाई, इसने इतना दूध दे दिया, बिल्कुल बस दिल खुश कर दिया जी। डांडा स्टाफ आज खुश है, डांडे का मतलब क्या होता है, डांडे का मतलब क्या होता है, और वो ट्रैक्टर को खींच लेता है। ठीक है जी भाई, बहुत बहुत बधाई हो सारे भाई, और बाकी कल से आप भी भाई बराबर सेवा में जुटे हुए। जी 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 जी। तो सभी भाई जुड़े जी, सभी का धन्यवाद। एक स्पेशल वीडियो इस भैंस की स्टार्टिंग से लेके और यहाँ पहुँचने तक का जो सफ़र, ट्रैक्टर तक का, एक स्पेशल वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। तब तक सभी भाई जुड़े, उनका धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।